कैसे हो आप? आप हॉस्पिटल से आपका बल बटा है। आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी ना, आप हॉस्पिटल में एडमिट थे ना क्या? आप एकदम ठीक हो? आप हॉस्पिटल में आप एडमिट नहीं थे? आपके वाइफ ने तो बोला कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, आपको हार्ट अटैक आया था और आपकी हेल्थ बहुत ही सीरियस है। डॉक्टर ने तो बोला था आपकी हार्ट की सर्जरी करनी है और इसीलिए आपकी वाइफ मेरे से 50,000 रुपीज लेके गई। और आपके वाइफ ने मुझे बोला कि 4 दिन वो लौटा देगी, लेकिन अभी 1 महीना भी हो गया लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। और आपकी वाइफ मुझे 1 महीने से मुझे दिखी भी नहीं है, कहीं भाग गई है क्या? क्या कहना क्या चाहते हो? आपकी वाइफ भाग गई मतलब क्या? आपकी वाइफ उसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, उसने शादी कर ली? ये आप क्या कह रहे हो? मैं जानता हूँ आप बहुत ज्यादा मजाक करते हो, लेकिन ये मजाक करने जैसा ये टॉपिक नहीं है। क्या आपकी वाइफ सच में उसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और उसने शादी कर ली? ओ शिट, मेरे पैसे। नहीं मतलब नहीं मतलब आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आपकी वाइफ मेरे से 50,000 रुपये लेके गई है। मैंने मेरी पहली सैलरी में से उनको मैंने दिए थे पैसे। मैं जानता हूँ आपकी कंडीशन, मतलब आप बहुत ही अभी आप दुखी हो और आपके वाइफ ने जो आपके साथ जो किया है वो बहुत ही गलत है, लेकिन अभी मेरे पैसों का क्या? हाँ अच्छा, आप दोगे? अच्छा कब तक दोगे? अच्छा 2 दिन में? अच्छा ठीक है। नहीं, मैं ये बात मैं किसी को नहीं मैं बताऊंगा। सॉरी, मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा और मुझे एक्चुअली आपसे पैसे नहीं लेने चाहिए, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे भी पैसों की थोड़ी जरूरत थी, इसीलिए मैं आपसे मैं पैसे नहीं लूंगा, वरना तो आप अपना ख्याल रखिएगा और 2 दिन में पैसे मेरे मिल जाएंगे ना? हाँ ठीक है, आपका ख्याल रखना।